हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग? हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग। तो हम बनाने जा रहे हैं एक नया एनिमेशन, ठीक है, फ़ोन पे। वो भी तो इस ऐप का नाम है फ्लिपा क्लिप। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और आपको अगर हैक वर्जन डाउनलोड करना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि हाउ टू डाउनलोड हैक वर्जन ऑफ फ्लिपा क्लिप। उसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जिसमें वाटर मार्क नहीं होता है। सो फर्स्ट हमें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद हमें बहुत सारे कैनवस दिखने को मिल जाते हैं कि तुम्हें कौन सा साइज़ चूज़ करना है। तो हम 180, 720 कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम 180 मतलब 1080 चूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड होता है। तो फ्रेम पर सेकंड बेसिकली ये होता है कि तुम्हें कितना स्मूथ रखना है। देखो, अभी जितना हम मैं कम कर रहा हूँ उतना ये चॉपी हो रहा है, मतलब अटक अटक के हो रहा है, और जितना ज़्यादा मैं फ्रेम इसको हाई करता हूँ उतना स्मूथ चलता है। फ्रेम पर सेकंड का बेसिक मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में तुम्हें कितने फ्रेम बनाने, मतलब कितनी पिक्चर बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली 12 करता हूँ, 12 मतलब सही है, मतलब उतना अच्छा, मतलब एकदम स्मूथ दिख जाता है। तो हाँ, और फिर हमें एक टाइटल, यहाँ पे हमें बहुत सारे पहले बैकग्राउंड दिखते हैं कि तुम्हें किस बैकग्राउंड में बनाना है। तो हम अपने से कुछ भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, और गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे अभी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए जो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखा हूँ, तो मैं नॉर्मली एक वाइट बैकग्राउंड लूँगा। और हमें टाइटल लिखना है, सो हम टाइटल लिखते हैं हाउ टू एनिमेट। ओके, हम यहाँ से इसको डन करके अब हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे करते हैं। अब इसमें से बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। देखो, जैसे पेंसिल है, इसके बाद पेन भी हम पे बहुत सारे होते हैं। इस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में बता दूंगा कि कौन सा क्या फीचर करता है, क्योंकि वीडियो वरना 15 मिनट का हो रहा है और उतना टाइम आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसका मैं अगली वीडियो में है वो सारा बता दूंगा कि कौन क्या फीचर काम करता है। तो हमें फर्स्ट पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है। अब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमें इसको प्रेस करके रखना होता है और फिर हमें बोलना होता है। ये देखो, अभी लाइनें ऊपर नीचे होंगी। ये देखो, मतलब मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है। हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग? तो मेरी साउंड रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि स्टार्टिंग का गैप ना हो साउंड का। तो हम इसे लाइन को हम इधर उधर कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ये फीचर आप लोगों को समझ आ जाएगा। और फिर हम इसमें बहुत सारे वो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कलर फिल करना और क्रॉप करके इधर उधर ट्रांसफर करना। तो हमें यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। सो ये जो नीचे पे हम इसे टच करते हैं, ये एक बटन होता है, तो ये हमें दिखाता है कि तुम्हारे मतलब कितने सेकंड में कितने फ्रेम है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मतलब 1 सेकंड और 11 मतलब मिली सेकेंड जो भी बोलते हैं इसको, और यहाँ बता रहा है कि 1 सेकंड में 23 फ्रेम है। मतलब हमें 23 इमेजेस बनानी होंगी 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए, ठीक है। सो हम अपना करेक्टर बनाते हैं, और मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ इसको, इसलिए मतलब उतना अच्छे तरीके से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन्जॉय करो वीडियो। हमारा कैरेक्टर का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से क्रॉप करके इसको कॉपी करेंगे और दूसरी जो लेयर है उसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। हम ऐसे 4 लेयर बनाएंगे और 4 पोजीशन बनाएंगे बॉडी की। और अभी देखो फिर, सो हम अब दूसरे उसमें जाएंगे पेज में, और हम इसके हाथ के मूवमेंट्स के लिए इमेज ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, और ऊपर जो 3 डॉट है हम इस पर जाएंगे, और यहाँ पे अनियन स्किन को हम अप्लाई करेंगे। सो अनियन स्किन मतलब जो ये दूसरा, अभी तो हम दूसरे पेज में हैं, तो ये पहला पेज का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाएगा कि हाँ ये तुम्हारा ऐसा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने हाथ को मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी तरीके से तीसरा और चौथा भी वो करेंगे, मतलब बनाएंगे बेसिक का कि हमें किस टाइप से मूवमेंट रखनी है। तो हम बनाते हैं। सो हमारे 4 हैंड पोजीशन बन चुके हैं। अब हमें इसके बीच, अगर हमें स्मूथ एनिमेशन बनाना है तो हमें इसके बीच में भी वो करना पड़ेगा, मतलब जैसे हाथ होता है पहले नीचे से ऊपर की ओर उठता है, तो हमें इसके बीच का जो गैप है उसको भी फिल करना है। तो हम और लेयर बनाएंगे। अभी हमारी 4 लेयर 5 लेयर बनी है। अभी हमें इसको 23 तक करना है, क्योंकि हमें 23 बनानी है अभी फ्रेम, ठीक है। तो हम इसको ऐसी स्मूथ बनाने के लिए इसके बीच में एनिमेशन करेंगे, और हैंड साइन को थोड़ा स्मूथ तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। और अब मुझे ज़रूरत है कि मतलब जो मेरा आगे वाला फ्रेम है उसका भी मेरे को देखना है। तो मैं अनियन में जाऊंगा, यहाँ पे देखो बिफोर फ्रेम आफ्टर, मतलब आगे पीछे दोनों दिखाएगा। जो ग्रीन वाला है ये तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारा आगे वाला फ्रेम कैसा है, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो मैंने दोनों को ऑन कर दिया है। तो ये हमारा 15 फ्रेम बन चुके हैं। हमें 23 तक बनाना है, ताकि क्योंकि हमारी 23 फ्रेम तक हमारी साउंड कंप्लीट हो रही है,
समझ रहे हो ना। तो हाँ, तो हम इस तरीके से एनिमेशन करेंगे। और अब जो ये वाला पोर्शन है फ्रेम व्यू वाला, तो इसमें हम मतलब पहले हम इमेज सेलेक्ट करेंगे कोई सी भी, हम उसको कॉपी करके हम उसका कॉपी बना सकते हैं आगे। फिर हम दो तीन को सेलेक्ट करके हम उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब कहीं भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे हमें रखना है उस हिसाब से इमेज। फिर हमारी ये जो फ्रेम है ये हमारी वीडियो है, ठीक है 18 बन चुके हैं, हमें इसको 23 करना है। तो हम कॉपी करके आगे पीछे देखेंगे कि कहाँ पे सही बैठ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो देखो एनिमेशन काफ़ी सही लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, ठीक है। तो चलो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया है, अब हम इसमें करेंगे कलर फिल। तो हमें पहले यहाँ पे बहुत सारे इस कलर के ऑप्शन दिख जाते हैं और हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं कलर को। तो ये मैंने पहले से स्किन का कलर सेव कर रखा है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम फिल करते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only. Hello ninjas, तो कैसे हो आप लोग? Hello ninjas, तो कैसे हो आप लोग? Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. हमारा कलर फिलिंग वाला काम पूरा हो चुका है और हमारा कैरेक्टर काफ़ी सही लग रहा है। तो अब हम इसकी आंखें बनाएंगे, तो हम आंखें बनाते हैं। हमें सिर्फ आंखें एक ही बार बनानी है और हम उसको कॉपी करके बाकी 23 जितने भी इमेजेस हैं उनके ऊपर लगा देंगे। पर हमें दूसरे फ्रेम में करना होगा ताकि कॉपी करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनकी आंखें को कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया और हम अब जितने भी फ्रेम हैं उन सब के ऊपर इसको डाल देंगे। हमारी आंखों वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आता है मेन पार्ट माउथ का। तो हमें माउथ जो पोजीशन होती है वो हमें ढंग से देखना पड़ेगा। देखो किस तरीके से। यहाँ पर वो है बोल रहा है, हेलो है, तो है वाला देखो अभी जो ये साइन देखो ये है एच की तरह लग रहा है, तो हम इसको एच की लो ओ वाला पार्ट ओ जैसा दिखता है तो हम ओ बनाएंगे, ठीक है। उस इसी के अकॉर्डिंग हम जितना भी एल बोलता है तो जीभ ऊपर जाती है, तो देखो एल ये आई वाला। एक माउथ चार्ट होता है वो मैं तुम्हें ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये माउथ चार्ट होता है तो इसके अकॉर्डिंग फिक्स करना होता है। जैसे अभी वो जा बोल रहा है तो जा में जीभ ऊपर की ओर जाती है, तो देखो हमें जा को ये देखो इस टाइप से हमें सारा सेट करना होता है। माउथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो हमें इसे ढंग से करना होता है, ठीक है। सारे माउथ को पार्ट बनाने के बाद हमें उसके अंदर कलर फिल करना है, तो हम कलर फिल करते हैं। माउथ पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमें आई को थोड़ा ब्लिंक करना है, मतलब आंखें जब बंदा ब्लिंक कर रहा होता है तो हम इसके एक दो सेक्शन में जैसे 13 और 14 या 15 या 16 कुछ भी बीच में आप उसके आंखों को गायब कर देना, और हो सके तो आप एक एरो भी डाल देना आंखें बंद होने का। कैसे आप लोग? तो देखो हेलो निंजास, तो कैसे आप लोग? हेलो निंजास, तो कैसे आप लोग? हेलो निंजास, तो कैसे आप लोग? तो हमारा कैरेक्टर अच्छे तरीके से ब्लिंक भी कर रहा है, हाथ मूव भी कर रहा है, और उसके माउथ का जो पोस्चर है वो भी सही है। अब हमें एक नया फ्रेम लेंगे, बाकी फ्रेम को हाइड कर देंगे और अब हम बनाएंगे इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं एक चाइनीज़ में कुछ लिख रहा हूँ, वैसे तो मेरे को भी नहीं आता बट ऐसी, ठीक है। तो हाँ, इस तरीके से हम बैकग्राउंड बनाएंगे, इसमें कलर फिल करेंगे, सो एन्जॉय। तो जो हमारा एक बैकग्राउंड बन जाएगा तो हमें इसको कॉपी करना है और बाकी जितने भी फ्रेम है और उनके ऊपर हमें पेस्ट कर देना है। और जितनी भी हमारी लेयर्स हैं उनको हमें अनलॉक कर देना है। हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग?
इतना होने के बाद मेरी ट्रिक ये है कि मैं बैकग्राउंड को हल्का सा थोड़ा वो कर देता हूँ, उसकी कैपेसिटी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ ताकि बंदा सही से दिखे। हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग? हेलो निंजास, तो कैसे हो आप? सो हमारा काम पूरा हो चुका है, ऊपर जो 3 डॉट है हम इस पर क्लिक करेंगे और मेक मूवी कर देंगे, मतलब प्रोजेक्ट को हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं। अगर तुम्हें कुछ टाइटल टूटल चेंज करना तो वो कर देना। और दिस इज़ अवर फाइनल रिजल्ट। हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग? हेलो निंजास, तो कैसे हो आप लोग? तो ये थी हमारी एनिमेशन की वीडियो की, फ़ोन पे एनिमेशन कैसे बनाए। अगर तुम लोग ने यहाँ तक देख लिया है, मतलब आप लोगों को एनिमेशन काफ़ी पसंद है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। और अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।